चले गए ओके सो नमो विष्णुपदाय गुरवे गौरचंद्राय रा अज्ञान ज्ञानंजन शिलाख्या चक्षु उन्मील ये न तस्में श्री गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालाल कृष्णा कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नम नम राधिकाय प्रियात्मने श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो आजकल न्यूज में सुनने को आ रहा है इतना कुछ अबाउट टर्की कि टर्की में ऐसा अर्थक्वेक्स आए हैं डेडली 15000 से ज्यादा लोग लाइक uh, डेड like हो चुके हैं सो आई वाज डिस्कसिंग दिस टुडे मॉर्निंग इन ए टीम मीटिंग विद माय वन ऑफ माय फ्यू ऑफ माय कलीग्स बट दे वर लाइक डिस्टर्ब टू हियर दिस वो ये सुन के बहुत दुखी थे कि हमारे हमारे देश में सॉरी विश्व में दुनिया में इतना कुछ uh, इनऑस्पिशियस हो रहा है सैड सैड न्यूज़ आ रही है लाइक वी हर वी नो अबाउट द वॉर विच इज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन राइट और जब ये वॉर शुरू हुआ था तब कितने स्टूडेंट्स है इं, इंडिया के जो रशिया में पढ़ रहे थे और उनको भी कितना ट्रबल हुआ था देडेंट इजिली कम टू इंडिया राइट और हम सब कोविड से भी गुजर चुके हैं वी हैव सीन एंड हर्ट सो मच अबाउट इट कि वो भी कितना डेडली रहा है उसके भी क्या क्या उससे भी कितनी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी राइट और ये सब तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं अभी जैसे ले चल रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और अब ये ये आ गया हमारा टर्की का अर्थक्वेक ऐसा कहा जा रहा है कि सौ साल में ये पहली बार इतना खतरनाक अर्थक्वेक आ, आया है टर्की और सीरिया में आफ्टर लाइक ए सेंचुरी तो क्या हमें ये सब सुन के दुखी हो जाना चाहिए ये सब न्यूज़ सुन के सुनके? तो इसका आंसर है नहीं हमें दुखी नहीं होना चाहिए नॉट बिकॉज वी आर वेरी एलिटेड अफकोर्स हम एलिवेटेड नहीं है वी आर वेरी मच क्या कहते हैं इन हमारी खुशियां तो कंडीशन पे डिपेंड करती हैं लेकिन कहते हैं ना कि ज्ञान की तलवार से हम अपने अंदर के अंधकार को अपने अंदर के अनर्थास को और अपने अपने अंदर के भय को भय भी फियर भी तो एक अनर्थ ही है राइट उसको खत्म कर सकते हैं कैसे ज्ञान की तलवार से तो जब हम गीता को कहा जाता है कि वो एक ऐसा शास्त्र है जो बहुत बेसिक है राइट लाइक इट्स ए स्टडी एट ऑफ ग्रेजुएट लेवल पोस्टुएट स्टडी सारे शास्त्र अगर छूट जाए स्टिल है चरतामृत लेफ्ट विदिल सेव्ड इन दिस वर्ल्ड तो भगवदगीता को एक बेसिक नॉलेज देने वाला ग्रंथ बताया गया है और तो क्या बेसिक नॉलेज देता है हमें जो हमारे हम जो भय अनुभव करते हैं इस इस दुनिया में वो इसलिए है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि दुनिया हमारी भोग के लिए नहीं बनी है ये शरीर भोग के लिए नहीं दिया भगवान श्री कृष्ण ने है ना और हमारा हम सॉरी क्या कहते हैं दुनिया भोग के लिए नहीं है हमारा शरीर भोग के लिए वस्तु नहीं है एंड uh, यहाँ पे जो भी होता है वो टेम्पररी होता है और इट्स दुखालयम तो हम इतना फिर डिस्टर्ब ही क्यों हो रहे हैं जहां पाप है वहां उसके रिएक्शन है जहां पे चार धर्म का पालन नहीं होता धर्म के चार पिलर्स हैं राइट आर यू देअर पुष्पांजलि हरे कृष्ण तुम बीच में तुम बीच में निकल गई थी ना तो आई जस्ट चेकिंग ऑन यू ओके सो लाइक वी नो धर्म के चार पिलर्स है ट्रुथफुलनेस क्लीनेस ऑस्टेरिटी एंड फोर्थ क्या था मैं भूल गई ट्रुथफुलनेस क्लीनेस ऑस्टेरिटी एंड कंपैशन हाँ कंपैशन थैंक यू सो मच कंपैशन राइट तो हमारी सोसाइटी में ये चारों के चारों नहीं है थोड़ा बहुत शायद हमारी सोसाइटी में अभी एक एक पिलर है जो थोड़ा बहुत है आई डोंट नो विच वन इज दैट यही कहा जाता है तो कंपैशन नहीं है बिकॉज वी आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड एनिमल्स कहीं कहीं पे तो बच्चों को भी खा रहे फीटस चाइना एंड ऑल दो कंट्रीज में इन टॉक वी आर नॉट क्लीन Like हम क्लीनेस की जहाँ पे जब, जब यहाँ पे बात की जा रही है इट डॉक अबाउट बॉडी इट टॉक्स अबाउट इवन अवर माइंड अवर कॉन्शियसनेस इज नॉट क्लीन अवर मनी इज नॉट क्लीन इंटॉक्सिकेशन तीसरा क्या था कंपेशन क्लीन ट्रूथफुलनेस कौन सा बोलता है में कोविड uh, के टाइम पे एक आर्टिकल निकला था जिसमें ये बताया जा रहा था कि वाई आर वी हैविंग कोविड पैंडमिक लाइक कोविड जहाँ पे साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं ना कि चाइना ने बायो वेपन भेजा है वहीं पे हमारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं कि जब प्रकृति में इस सृष्टि में सब मनुष्य लाइक जो प्रोफेशनल्स हैं, हाउस भी ले लो लॉयर्स डॉक्टर्स बिजनेसमैन, जब ये सब झूठ बोलते हैं ना अपने फायदे के लिए तो वो एक्चुअली में ट्रांस मटेरियल साउंड को क्रिएट करते हैं और जब वो यूनिवर्स में जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होके आती है पूरा पानी एयर सब पोल्यूट करती है अगर आपको सड़क के भिखारी के लिए भी दुख अनुभव हो रहा है ना कि हाई बेचारा भूखा है मैं उसे खाना दे दू तो उससे बड़ी मर्जी आप उस पर तब कर सकते हो वेन यू आर जस्ट स्टैंडिंग हरी कृष्णा फॉर हिम आपके मुख से निकला हुआ शुद्ध नाम यूनिवर्स में जाता है ध्वनि के रूप में और वो जहां जहां जाता है हर जगह जाता है ऑफ कोर्स क्योंकि वो शुद्ध नाम है दिव्य नाम है उस सब पे कृपा होती है अब शुद्ध नाम ले कौन रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल को ना कोई नाम लेता है सेकेंडली ना वो अच्छी चेतना से लेते हैं बिकॉज दे हैव मटीरियल डिजायर इवन इफ इज सम दे आर चैंडिंग विद सम मटीरियल डिजायर थर्डली वो शुद्ध नाम नहीं है वो नाम अपराध हमसे होता है इसलिए हमारे आजू बाजू हमें सब लोग दुखी दिखते हैं तो हम हमारा सब कुछ पीपल नॉट ट्रुथफुल द एयर इज नॉट क्लीन clean, इज नॉट क्लीन clean, इज नॉट क्लीन पीपल आर नॉट क्लीन compassion नो nobody एंड नो बडीज Forget अबाउट भागवत धर्म जो गीता में दिया या जो भागवत में दिया या जो चैतन्य चरित अमृत में दिया हम तो लोअर धर्मा भी नहीं अच्छा करे वॉट इज लोअर धर्मा की पतिव्रता बन के रहो ये लोअर धर्मा ही तो है पत्नी धर्म पत्नी धर्म पति धर्म, धर्म क्या है ये सब कौन डू वी हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर वेरी लॉयल टूवर्ड्स और वाइफ कोई भी नहीं है कोई भी नहीं uh, है से हर कोई पाप करता ही करता है इसीलिए जहां पे धर्म नहीं है जहां पे स्लॉटर हाउसेज है जहां पे अबॉर्शन होते हैं जहां पे ब्रॉथस सेंटर्स है वहां पे ये अर्थ के एक साना बहुत कॉमन चीज है लोगों को लगता है स्लॉटर हाउस तो हमारे लिए ही बने बिकॉज एनिमल्स में सोल नहीं होता सेकेंडली उनको ये लगता है अबॉर्शन करना नॉर्मल है बिकॉज सेक्स करो एज लॉन्ग एज यू जब बच्चा चाहिए होगा तब का तब का देखेंगे एंड दे डू और पिल्स तो वो सब नॉन धार्मिक एक्टिविटीज इसलिए ये सब होता है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हमें एक और चीज इसमें ऐड करनी है जैसे हम फ्रॉम लास्ट आई थिंक टू थ्री वीक्स क्या आप टू थ्री जनवरी से ही पकड़ लीजिए आप हम कितने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें से कल भी एक फेस्टिवल है विच इज डिसअपेरेंस डे ऑफ शीला गोर गोविंद गोसाई महाराज विच इज टुमारो। यहाँ पे अपेरेंस डे लिखा है बिकॉज ये अगस्त में हुआ था इन द ईयर 2011 थाउजेंड इलेवन की हरि कथा गुरुदेव ने 2011 में अगस्त में बोली थी दैट वॉज महाराज का अपियरेंस डे लेकिन कल प्राकट्य दिवस नहीं है व्यास पूजा नहीं है कल अः हाँ हाँ तो इसलिए ये हेडिंग से कंफ्यूज मत हो जाना मैंने ये आर्टिकल सर्च करके निकाला इनकी वेबसाइट से गुरुदेव की तो अगर हम रोज 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 डेली एटलीस्ट वन आर टू आर ऐसी मधुर मधुर कथाएं सुनेंगे जैसे हमारे अजय प्रभु जी ने टाइटल दिया है मधुर स्मृतियां फाउंड मेमोरीज ऑफ गुरुदेव तो जब हम ये हमेशा अपने मन में स्मरण रखेंगे ना हमें ये सब जो, जो जो न, ये सब जो न्यूज है ना ये विचलित नहीं करेंगी वी विल नॉट गेट डिस्टर्ब बाय दीज न्यूज तो हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हमें हमारे भगवान को भगवान के निजी जनों को कभी भूलना नहीं है इसीलिए सारी की सारी गुरुदेव की ऑडियो टीम इन फेस्टिवल्स को जूम और गूगल मीट के माध्यम से सेलिब्रेट कर रही है बिकॉज सब समझते हैं कि फिजिकली अगर हम साथ में नहीं भी हैं आज स्टिल गुरुदेव की चर्चा गुरुदेव की कथा अवश्य होनी चाहिए गुरुदेव के uh, गुरु भाइयों की ये भी तो गुरुदेव के गुरु भाई ही है क्योंकि महाराज इनके दीक्षा गुरु हैं गौ, गौर गोविंद गोसाई महाराज के और हमारे गुरुदेव के शिक्षा गुरु हैं और ये दोनों ब्रज भक्ति में थे दोनों में ब्रज भाव है दोनों भगवान के निजी जन हैं तो महाप्रभु की लीला में ये गौर गोविंद गोसाई महाराज है राधा कृष्ण की लीला में भी इन, इनका कोई है रूप जो मुझे अभी पता नहीं है लेकिन गुरुदेव ने कहा था है तो इसीलिए हमें इसीलिए तो स्वामी महाराज न्यूज पढ़ते नहीं थे सिर्फ हेडलाइन देखते थे फटाक से दैट्स दा, फॉर प्रीचिंग ऐसे घंटों बैठ के चाय की चुस्की ले लेके टीवी चल रहा है न्यूज देख रहे हैं ऐसा हमारा कोई आचार्य कोई uh, सीनियर डिस नहीं करता जैसे मैंने अगर ये न्यूज पढ़ी अर्थ को दिस इज जस्ट टू तो गाइड पीपल आर टू तो लेट देम नो कि हमें इससे डिस्टर्ब नहीं होना ये होने ही वाला है बिकॉज दिस वर्ल्ड इज दुखालियम तो इसको एक्सेप्ट करना है। ये क्यों होते हैं बिकॉज लोग इतने पापी हो चुके दुराचरी इसीलिए होता है ये सब तो हाँ अरे टर्की में लोग मर गए क्या कर दिया भगवान ने अरे भगवान ने कुछ नहीं किया हमारे ही कर्मा करते हैं भाई इसलिए मेच्योरिटी आने से दुख खत्म हो जाता है बेसिकली तो अगर हम रोज वैष्णु को ग्लोरीफाई करेंगे एक्चुअली हमें दुख होगा नहीं वी विल नॉट फील टाइम वी विल नॉट गेट टाइम ऑल्सो तो यहाँ पे इन महाराज जी ने बहुत सुंदर कथा करी है चैतन्य चैत्यामृत से तो मध्य लीला है ये श्री चैतन्य चैत्यामृत मध्य लीला इसमें ये ये बता रहे हैं कि कैसे महाप्रभु जो राधा भाव में डूबे हुए हैं और वो जगन्नाथ जी से बात कर रहे हैं कौन महाप्रभु लेकिन भाव है उनका राधा भाव हमारे सारे के सारे आचार्य क्या भाव ग्लोरीफाई करते हैं राधा भाव दैट्स इट भाव राधा रानी राधा रानी क्या अनुभव करती है वॉट शी फील तो क्यों हमारे परम गुरुदेव ने श्री राधा विनोद बिहारी अष्टकम लिखा कि राधा रानी नहीं रो रही कृष्ण रो रहे हैं राधा रानी के लिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं ऐसा होएगा ही नहीं कि राधा रानी कृष्ण के लिए कृष्ण पीछे पीछे कृष्ण के भाग रही है ऐसा नहीं होना है। ऐसा नहीं है गौड़िया नहीं करते द थिंग कृष्णा हमारे स्वामी के पीछे पीछे भागते हैं, कृष्णा उनके सेवा करते हैं। ये है राधा भाव। तो बहुत सारे ऐसे ना गलत अंड भजन भी है हमारी सोसाइटी में जो भोगियों ने लिखे हैं जैसे कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी ये अच्छा भजन नहीं है गुरुदेव मना करते थे इसके लिए एंड दिस वन मोर भजन जो है राधा तू बड़ भागनी कौन सा की जो क्या पुण्य किया तूने जो तुझे कृष्ण मिले ये भी एक है इसके लिए भी गुरुदेव बोलते थे ये सही भाव नहीं है राधा रानी ने कोई पुण्य कौन सा ऐसा काम किया जो कृष्ण उसको मिल रहे उनको मिल रहे ऐसा नहीं हम बोलते हैं उल्टा कृष्ण कितने बड़भागी हैं ऐसा बोलना चाहिए जो उनको राधा मिल रही है राधा रानी तो उनकी शक्ति है वो पुण्य का भक्त भजन राज्य में पुण्य शब्द लाया ही नहीं जाता है भगवान की शक्ति को आप चैलेंज कर रहे हो क्वेश्चन कर रहे हो कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम्हें कृष्ण मिल गए अरे वो राधा कृष्ण से ही तुम आई है तो इसलिए ये सब समझने के लिए हमें अपने चार्यस का भाव समझना पड़ेगा जैसे हम बहुत से लोग तुलसी का विवाह शालीग्राम से कर देते हैं वो भी रॉन्ग है तुलसी जबकि उनकी शादी गोपी कृष्णा इज ए गोपा तो उनकी शादी कृष्ण से हुई है और भी मुझे कुछ बोलना था जो मैं भूल गई अभी हाँ जैसे लोग वृंदा देवी को तुलसी माँ बोलते हैं राधा को राधा माँ बोलते हैं राधा रानी को एंड तो ऐसे यमुना मैया बोल देते हैं तो गौड़िया वैष्णवास ऐसे नहीं कभी बोलते यमुना मैया तुलसी मैया राधा मैया तो राधा रानी हमारी क्या है क्या है हमारी राधा रानी तो वो किशोरी जी है लेकिन हमारी क्या है किशोरी मतलब तुम्हारी क्या लगती है हमारी सखी लगती है राधे हो गया कि तुम उनकी पूजा करती हो किशोरी हो गया कि वो यंग है पर तुम्हारा उनसे क्या कनेक्शन है मेरा ये सवाल था तो हमारी वो सखी है और, और उसी तरीके से सखी है जैसे वो यमुना जी की सखी है क्योंकि यमुना जी कौन है विशाखा विशाखा उनकी सखी है ऐसी तुलसी देवी उनकी सखी है तो हमारा जो कनेक्शन राधा रानी से होगा वही हमारा कनेक्शन वृंदा देवी से है या यमुना जी से है Okay. यानि सखी है वो हाँ वो सखी है लेकिन हम सखी नहीं बनते हम मंजरीज बनते हैं क्योंकि hmm. मंजरीज वो होती हैं जो पाले दासी होती है hmm. सर्वेंट, में सर्वेंट बोलते। तो ये सब है गौड़िया वैष्णव का भाव ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारे गुरुदेव भी मंजरी है हमारे गुरुदेव सखी नहीं है हमारे परम गुरुदेव मेड सर्वेंट है दे आर नॉट सखी They are made servants. वो सिद्ध हैं। और तुम अगर अपना भजन अच्छे से करोगी तो तुम साधन सिद्ध कहलाओगी हो क्योंकि तुम अनंत कोटिका से पहले संसार में भटक चुकी हो तो तुम साधन सिद्ध कहलाओगी तुम या मैं बिकॉज दिस इज नॉट अवर फर्स्ट बर्थ वी हैव ऑलरेडी टेकन लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स एंड मेनी एंड मेनी एंड मेनी बर्थ एटी फोर लैक स्पीशीज हम आ, सब गलत काम कर चुके हैं नित्य सिद्ध वो होते हैं जिन्होंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं होता दे आर नॉट कंडीश वो शुरू से ही भगवान के धाम में ही रहे वो यहाँ पे आते हैं हम पे कृपा करने बस ठीक है आगे बढ़ते हैं तो राधा रानी कह रही है मतलब महाप्रभु कह रहे हैं राधा भाव राधा भाव धारण करके कि महाप्रभु और जगन्नाथ कौन है राधा है कृष्ण है महाप्रभु है राधा जगन्नाथ जी है कृष्ण कौन कृष्ण जो वृंदावन धाम में रहते हैं तो, तो महाप्रभु कह रहे हैं राधा भाव तो अब जब महाप्रभु कह रहे हैं तो अब ये मत भूलना कि वो कोई पुरुष है यहाँ पे वो राधा भाव को रख कंसीडर करके ये अपने वर्ड्स बोल रहे हैं जगन्नाथ को कि मेरा मन जो है वो वृंदावन धाम से आकर्षित है मैं चाहती हूँ आई विश दैट यू विल प्लीज अगेन अपेयर आप फिर से वहां पे आएंगे अपने चरण कमल को वृंदावन धाम में लाएंगे कुरुक्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं एलिफेंट है हॉर्सेस है चैरियट्स है पर वृंदावन धाम में क्या है फूलों के बाग मधु वो मधु हनी बीज और बर्ड्स बर्ड्स की चिरपिंग साउंड जो मुझे अच्छी लगती है जो मुझे सुनाई देती है और कुरुक्षेत्र में आप रॉयल प्रिंस हो आप ग्रेट आपके साथ ग्रेट वॉरियर्स हैं, बट वृंदावन में आप क्या हो एक सिंपल से ग्वाला जो बांसुरी बजाता है यहाँ पे वो ट्रांस खुशी नहीं है जो मुझे वृंदावन में अनुभव होती है ये महाप्रभु बोल रहे जगन्नाथ जी को आई टू कम टू वृंदावन में रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप वृंदावन में आए और वहां पे हमेशा इंजॉय करें आप अगर ऐसा करेंगे तो मेरी इच्छा पूर्ण होगी श्रीमती राधिका जी बोल रही हैं ये <coughs> श्रीमती राधिका जी बोल रही है लेकिन महाप्रभु के भाव राधा रानी का ना उस वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई एम द सेम महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके बोल रहे हैं मैं वही हूँ माई बिलव इट कृष्णा इज द सेम मतलब जगन्नाथ जी ही कृष्ण है और हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं पर मैं यहाँ खुश नहीं हूँ मुझे वृंदावन जाना है आई वॉन्ट टू बी इन वृंदावन अंडर द शेड ऑफ द वेरी फ्रेगनेंट कदम ट्री कदम पेड़ के नीचे जहाँ पे जमुना बहती है जहाँ पे हमारा शादी नहीं हुआ वी आर नॉट फ्रीली घूमते हैं एक दूसरे को देके हमारा प्रेम बढ़ता है अब इस जगत में पुष्पांजलि आंसर माई क्वेश्चन हाउ मेनी मैरिड कपल्स यू नो और यू हैव हर्ड अबाउट विच आफ्टर लुकिंग एट ईच अदर आफ्टर मैरिज आवर लव इंक्रीज़ ही होता जा रहा है आपने सुना है कहीं पे ऐसा क्योंकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि मटीरियल वर्ल्ड है मटेरियल वर्ल्ड का प्रेम उल्टा डिक्रीज होता है डिक्रीज होता है डिक्रीज होता है डिक्रीज ही हो जाता हो जात, होता जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो प्रेम है वो ट्रांसजेंडल होता है इसलिए वो नित्य होता है इसलिए वो इंक्रीज होता है वो आप इसलिए राधा रानी बोल रही है कि सिर्फ आपको देखने से ही और आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रही हूँ उसी से हमारा प्रेम जो है वो इंक्रीज हो रहा है इतना इंक्रीज हो रहा है दैट लव रीच्ड एन एक्सट्रीम हाइट नाउ वी आर मीटिंग अगेन हियर इन कुरुक्षेत्र आई एम नॉट सेटिस्फाइड तो कुरुक्षेत्र में क्यों मिली थी राधा रानी जब वो एक सौ पच्चीस साल एक सौ साल के बाद जब कृष्णा आए थे ना कुरुक्षेत्र में तो राधा रानी वहां से वृंदावन वृंदावन से वृंदावन से राधा रानी का एक एक्सपेंशन कुरुक्षेत्र गया था तो हमने तीन राधा रानी डिस्कस की थी ना व्रजेंद्र नंद सॉरी वृषभानु नंदिनी वियोगिनी संजोगनी तो ये संजोगनी राधा है जो कुरुक्षेत्र में गई थी अब ये बोल रही है कृष्ण को कि मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में संतुष्ट नहीं हूँ भाई मुझे तो यमुना जी के पास कदम की पेड़ के नीचे आपके साथ जाना है आपके पास वहां पे होना है मुझे आई want यू टू कम टू my हार्ट दैट इज वृंदावन अच्छा आप मैं चाहती हूँ आप मेरे हृदय में आ जाए मेरा हृदय क्या है वृंदावन है आई वॉन्ट टू मीट यू देर अगेन ये ये है ब्रज भाव भाव इसको हमें समझना है तो बहुत से लोग हैं जो ये सब चर्चा नहीं कर पाते क्योंकि उनका अधिकार कम होता है पारकीय रस एक ऐसा रस है जो बहुत से लोग नहीं समझते कि क्यों भगवान की शादी नहीं हुई यही चीज वो उसमें अडम अडम्बा में रहते भगवान कृष्ण पारकीय रस का आस्वादन करने आए थे और आ, और महाप्रभु उस पारे के रस की महिमा सबको बताने आए थे कि ये है पारे के रस क्यों मैं गोपियों का ऋणी हूँ और क्यों गोपियां मेरे सब त्याग दी क्यों गोपियां बेस्ट भक्त हैं उन्होंने क्या दिया है मेरे को अपना जीवन दे दिया क्या मैं अनुभव करता हूँ क्या राधा रानी अनुभव करती है तो ये राधा रानी अनुभव करती है ये है भाव तो हर कोई भाव नहीं समझता है के लिए वही आपको एक रसिक वैष्णव चाहिए जैसे हमें हमारे गौर गोविंद गोसाई महाराज देखो ऐसे ऐसे बातें स्वाई महाराज ने शायद डायरेक्टली ना की हो अपनी स्मॉल बुक्स में स्मॉल बुक्स हा। जो ज्यादातर लोग इस कौन में पढ़े हैं क्योंकि इनिशियली उनको दुनिया को ये बताना था कि कृष्ण भगवान है अब सीधे राधा भाव डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि लोग अपराधी हैं जो लोग उस टाइम पे राधा कुंड में गए थे वहां जाके स्विमिंग करने लग गए जब वो राधा कुंड को स्विमिंग पूल समझ रहे हैं तो वो राधा भाव क्या समझेंगे भाई इसीलिए इसीलिए स्टार्टिंग में मायावाद से लड़ना पड़ा स्वामी महाराज को बारह साल टेंपल्स खोले ताकि मायावाद खंडित हो एथिज्म खत्म हो इम्पर्सनलिज्म खत्म हो सहजियापन बाबा जी वाला ये सब उस उससे लड़ने के लिए उनको काफी जंगल काटना पड़ा मायावाद का और इग्नोरेंस का फिर जब वो अप्रकट हुए तो सीधे हमारे गुरुदेव के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया था स्वाई महाराज ने कि अब आप आके राधाभाव प्रचलित करिए हर एक आचार्य कुछ ना कुछ यूनिक देके जाता है अपने में कुछ ना कुछ स्पेशल देके जाता है पर दैट डज नॉट मीन कि स्वामी महाराज राधा भाव में बिल्कुल नहीं थे ऐसा नहीं है जबकि लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने कहीं पर डायरेक्ट राधा भाव की बात नहीं करी तो वो राधा भाव में थे ही नहीं वो तो साख्य रस में थे सो इट इज नॉट दैट वे गोस्वामी हैज मेड द मीनिंग क्लियर इन श्लोक ये रूप गोस्वामी ने श्लोक लिखा है मतलब उसका मीनिंग दिया है हमें ये श्लोक था ना ऊपर ये 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 जो ये श्लोक है चैतन चेतन मृत है ये, मित के, ये सब आमा लान ये सब है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ टू तो जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड तो इसका रूप गोस्वामी आगे बोल रहे हैं कि इफ वन रिमेम्बर्स एंड फॉलोस दीज आइडिया अगर कोई ऐसी लीलाओं को याद रखेगा उनको फॉलो करेगा वो है रूपन होगा। ये होता है रूपन होगा। तुम्हें अभी तक पुष्पांजलि वैदि भक्ति रूपन होगा भक्ति रागनुगा भक्ति रागमिक भक्ति पता होनी चाहिए चारो क्या है ये वैदि भक्ति होती है जो नियम पूर्वक होती है डर के मारे होती है ऐस पर शास्त्र ऐस पर स्क्रिप्चर्स कि अगर हम सोला माला नहीं करेंगे तो प्रभुपाद नाराज हो जाएंगे पाप चढ़ेगा नर्ग में जाएंगे कर लो कर लो कर लो ये वैदि भक्ति है रूप अनुगा भक्ति होती है जो रूप गोस्वामी के आचरण में चलता है उनके आदेश का पालन करता है उनकी लीलाओं को समझ पाता है समझ में आ रहा है ना और रागनुगा होता है जो रागनुगा कैन बी एनी वर्ड एनी बड़ी श्री संप्रदाय के भक्त भी रागनुगा कह सकते हैं जिसके पास राग है बेसिकली वो है रागनुगा अटैचमेंट पर दैट डज नॉट मीन कि वो रूपन होगा भी है क्योंकि रूपन होगा तो वही होगा जो रूप गोस्वामी के बातों को ग्रहण कर पा रहा है सो so एवरी रागन होगा इज नॉट ए रूपन होगा बट एवरी रू रूपन होगा इज डेफिनेटली ए रागन होगा गुरुदेव बताते थे ऐसा और रागात्मिक होते हमारे ये ब्रजवासी जिनके खून में ही राग है और उन रागायितमिक भक्तों का संग करने से राग आता है देन वन कैन बिकम ए रागनुगा और ए रूपनुगा समझ में आ रहा है इज इट कंफ्यूजिंग फॉर यू हां हां ओके लिख रहे थे क्या तुम हाँ लिख रही थे हम रिपीट करना है कुछ मुझे रागनुगा वेदी भक्ति रूप रूपनुगा एंड रागायितमिक तो ब्रजवासी साले रागात राी रागा रातमिक रागा भक्त सारे वो हैं जो शुद्ध भक्त हैं जैसे व्रजबाशीष इवन हमारे ये रूपा गोस्वामा भी रागमिक ही हैं वो भी रागयत्मिक है उनके उनके रगों में नर्व्स में उनके डीएनए में राग है हम अगर उनको पाल उनको फॉलो करेंगे तो हम रूपानुगा कहलाएंगे आप जैसे वल्लभाचार्य हैं वो रूपानुगा नहीं है लेकिन रागन अवश्य है क्योंकि वो पुष्टि मार्ग के ना वो बाल गोपाल की पूजा करते हैं तो वो रागन है जो उनको फॉलो करेगा कोई गुजराती जैसे लोग हैं जो बाल गोपाल की पूजा करते हैं वो रागन कहलाएंगे जो राधा कृष्ण कंजुगल की करते हैं पारकीय रस में राधा कृष्ण कंजुगल की करते हैं वो रूपन है hmm. रूपन उगा को जो फॉलो कर जो रूपन है वो कभी राधा कृष्ण का विवाह नहीं कराएगा क्योंकि रूपा गोस्वामी ने ऐसा कहीं उन्होंने पारक रस को ग्लोरीफाई किया पारक रस क्या है कि कैसे जावट में राधा रानी का ससुराल है कृष्ण चोरी चोरी मिलने आते हैं तो हमारे गुरुदेव कहते हैं क्या कि बरसाना से भी श्रेष्ठ है जावट जावट बरसाना में तो केवल बाल लीला हुई है प्रकट हुई राधा रानी जन्म में हुआ वहां उनका चाइल्डहुड पास टाइम से जावट लेकिन कृष्ण को आनंद कहाँ मिल रहा है जावट में मिल रहा है कृष्णा को आनंद जावट में मिल रहा है जब वो राधा रानी से मिलते हैं विरह हुआ है उनको विरह अरे इतने दिन से राधा रानी मिलने नहीं आई कल रात को मिली थी अभी तक मिला नहीं बांसुरी बजाता हूँ वहां जाके मिल के आता हूँ अच्छा मधुमंगल को भेजता हूँ को मेरा मैसेज तो ले आएगा तो उनको वो उसमें जो खुशी मिलती है वो कृष्ण वो है इस, उस, उसकी वजह से जो जावट है वो बरसाना से भी हायर हो जाता है हमारे परम गुरुदेव की अभी एक सौ पच्चीसवीं एक सौ व्यास पूजा जावट में ही सेलिब्रेट हुई है इस बार टेर कदम जावट टेर कदम क्यों? क्योंकि वो एक एक रूप सॉरी हमारे आचार्य का भजन कुटीर है तो इसलिए इसीलिए रागात्मिक हम जन को अगर किसी को उदाहरण देना आपको, है आपको रागात्मिक भक्त कौन है ब्रजवासी उनके तो खून में नर्व्स में राग है उनका संग करने से तुम रागनोगा बनोगी लेकिन हमें राघन नहीं बनता है हमें रूपन बनना है तो रूप गोस्वामी भी ही है उनका संग करने से हम रूपा रूपन बनेंगे और पर लेकिन अभी हम वैदिक भक्ति में तो ऐसे कर वैदिक भक्ति को पालन करो करते करते वन डे विल कम वेन यू विल बिकम ए रूपन पर रूपन बनने के लिए रूपा गोस्वामी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी उनके भाव को समझना पड़ेगा अब हमें यही नहीं पता कि राधा रानी हमारी सखी है तो कैसे रूपन होगा बनेंगे ना तो ये चीजें हैं समझने वाली अब जैसे मैं आपको एक और एक देती हूं, आपने वीडियो देखा जहाँ पे विराट कोहली और उसकी वाइफ वृंदावन आए थे एक महाराज को मिलने उन महाराज ने अनुष्का को कैसे रेफर किया था याद है आपको सखी बोला था सखी अच्छा। को राधा रानी की चुंडी दे दो तो वो इसलिए वो क्या सखी है क्या उनकी वो आचार्य संत है उस संप्रदाय के, वो एक्ट्रेस है लेकिन एक जो भक्त होता है वो सबको भक्त के ही प्लेटफॉर्म पे देखता है कि ये भी भक्ति है ये भी राधा रानी की सखी बनेगी एक दिन आज नहीं तो कल अगर भजन करेगी तो सब सखी है राधा रानी की और सब दास है कृष्ण के ये होती है ट्रांसजेंडल आइज हम क्या अनुष्का शर्मा को कभी सखी देख ऐस, तुम क्या कभी न, किसी एक्ट्रेस को ऐसा सखी देख पाई कि ये की ये सखी है राधा रानी की क्योंकि वो ज्ञान की कमी है ना हमें हमारी मटीरियलाइज है हमने उसको भोग की दृष्टि से देखा है वो क्या नाचती है वो क्या गाती है वो क्या स्किन है उसकी क्या लिप्स उससे खराब हो गए उससे सर्जरी कर ली हम भोग की दृष्टि दृष्टि से देखते हैं तो इन दैट सेंस इवन गर्ल्स आर एंजॉइंग अनदर वुमेन बाय आईज एंड बाय माइंड लड़की लड़की का भोग कर रही है लेकिन उन्होंने उसको सखी के नजर से देखा कि ये राधा रानी की सखी है तो ये होती है आचार्य का ट्रांसडेंटल विजन होता है भाई वो भोग की दृष्टि से नहीं देखते किसी को so, अगर कोई इन विचार ऐसे विचारों को हमेशा याद रखेगा तो वही रूपन होगा कहलाएगा अगर नहीं तो वो आउटसाइड हो जाएगा अवर डिसाइप्लिक लाइन दोस्त अदर्स टू थिंक अबाउट बहुत से लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि क्या जरूरत है उनके लिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि वो कभी भी रूपानुगा नहीं बन पाएंगे रूप गोस्वामी को, को खुश नहीं कर पाएंगे दे आर नॉट रूपन रूपनुगा वैष्णवास इवन इफ अगर आप वैदि भक्ति कर रहे हो ना अपने मन में ये दृढ़ निश्चय रखो एक दिन में रूपानुगा बनूंगा उसके लिए मुझे अभी से प्रयास करना है अभी से मुझे उसके लिए एक्शंस लेने मेरा गोल है वो एवरी ईयर संसारिक लोग थर्टी फर्स्ट दिसंबर को क्या बनाते न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगले साल मुझे वजन कम करना है अगले साल मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है मुझे बिजनेस खोलना है मुझे शादी करनी है मुझे बच्चा करना है तो वो तो है घदे उनको छोड़ दो हम क्या हैं भजन के राज्य में भी तो आपके गोल्स होंगे ना भाई तो हमारा ये गोल होना चाहिए कि आज अगर मैं लोअर प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं हमेशा कनिष्ठ नहीं रहने वाला हूँ मुझे आगे बढ़ना है मुझे मेरे आचार्य के मूड को समझना है और इसीलिए गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि कभी भी मांगो कुछ तो क्या मांगो रसिक वैष्णव का संग ये गौर गोविंद सह महाराज रसिक है हमारे परम गुरुदेव रसिक है इवन इफ जस्ट मैनेजिंग टेम्पल प्रॉपर्टीज वेरी मच रसिक बिकॉज ही इज द वन हु विनोद बिहारी श्री राधा विनोद बिहारी अष्टकम बिकॉज ही हैड रस इन हिज भक्ति लाइक like गोर गोविंद गौसा महाराज नारायण महाराज स्वामी महाराज भी रसिक है हमारे सारे आचार्य रसिक है तो रसिक वैष्णव का संग मांगोगे तभी तुम रूपनुगा बनोगे हमारा लक्ष्य रूपनुगा है रागनुगा नहीं है लेकिन अभी भी अभी की सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा अभी मैं रूपनुगा नहीं हूँ अभी मेरे अंदर कपट है अनर्था से अभी मैं वैदि भक्ति कर रहा मैं डर डर के भजन करता हूँ कि अगर मैंने निमित रूप से माला नहीं करी तो मैं मुझे श्राप लगेगा मुझे पाप चढ़ेगा अभी तो मैं वैष्णव अपराध कर देता हूं अभी मैं धाम अपराध करता हूं सेवा अपराध करता हूं अभी वैदी भक्ति चल रही है पर रूपन होगा मुझे बनना है तो हे कृष्णा हे राधा रानी जब भी किसी भी आचार्य की तिथि हो तो उनको यही बोलना चाहिए हमें रूपनों का भाव दे दो हमें रसी वैष्णव का संग दे दो मेरे में क्षमता नहीं है आप आपकी कॉजलेस मर्सी मिली तो हो सकता है तो गुरुदेव ये बता रहे इट इज इगोस्टिक टू

रूपन होगा है लेकिन हमको ये रियलाइजेशन नहीं, हो, नहीं होता हमको तो अपने मन से चलना है अब यहाँ पे एक और चीज सीखने वाली है पुष्पांजलि आप, आप, आपको संग करना होगा आप चाहे केरला में रहो कनाडा में रहो इंडिया में रहो पाकिस्तान में रहो कहीं पे भी रहो आपको साधु संग चाहिए तो कैसे साधुओं का संग करना है जो समझता है कि मेरे आचार्य रूपन है जो यही नहीं समझ पा रहा भाई कि मेरे आचार्य रूपन होगा उसका संग करके तुम्हें क्या लाभ होगा दिस इज हाउ यू कैन यूज इंटेलिजेंस टू चूज द राइट टू चूज अ लाइक माइंडेड एसोसिएशन हमें लाइक माइंडेड एसोसिएशन चाहिए जस्ट एसोसिएशन नहीं चाहिए लाइक like माइंडेड ठीक है When my Gurudev remembered these topics, his complexion used to become reddish. Param Gurudev hain, Gurudev. Yellowish and whitish. And then he used to become faint. And when I would tell him these pastimes, he would weep continuously. All bona fide gurus are in one line. And if you are not in this line, you are derailed. Granted, we should not explain this subject matter to unqualified people. But if you but if we do not explain it at all, then all these ideas will be gone, washed away from this world forever. Sheila Kaviraj Goswami has replied to all doubts in this regard. Try to realize this reply. If we discuss this, then कि नहीं नहीं बोलना नहीं है बोलना नहीं है बहुत उच्च 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 कोटी की बातें हैं अरे मत बोलो मत बोलो अभी अब उसके लायक नहीं हुए गुरुदेव को हर कोई बोलता था कि आप क्यों इतनी हाई लेवल की हरी कथा करते हो गुरुदेव को इसके लिए क्रिटिसाइज करते थे लोग इस कौन में लेकिन गुरुदेव कभी भी वो कहते ना गुरुदेव कहते थे मैं शेर का बच्चा हूँ परम गुरुदेव शेर है मैं उनका कब हूँ तो गुरुदेव तो हमेशा निडर होके हरी कथा करते थे <coughs> तो ये जो वर्स है ये आप पढ़ सकते हो श्रवनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम साख्यम आत्मा निवेद ये नवदा भक्ति है जो प्रहलाद महाराज ने दी है ठीक है ये उसका ट्रांसलेशन है मैं आगे पढ़ती हूँ जो गुरुदेव बोल रहे हैं ठीक है टाइम ता, कम है ना हमारे पास आठ बज गए दो हु कितना लंबा है ये पता नहीं हो पाएगा कि लंबा। है। oh ठीक mm. थोड़ा सा और करते हैं जब तक तुम रह सकती हो। शुड गो टू रामोनुजा और मन, देखो गुरुदेव बोल रहे हैं देखो कितनी क्या बोलूँ मैं इसको स्पेशल uh, बात ब्यूटिफुल कि ये जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम श्लोका है ना नवता भक्ति का जो इसका मीनिंग नहीं समझता जो बस जनरल मीनिंग समझता है ऑर्डिनरी मीनिंग वो जा सकता है रामनोज संप्रदाय में और मध्वाचार्य संप्रदाय में लेकिन जो महाप्रभु का मूड धारण करता है समझता है उसको क्या समझेगा जो फर्स्ट श्लोक में विष्णु लिखा है ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु ये विष्णु कौन है कृष्ण विद राधिका एंड द एंडीस तो जब हम तुलसी जी का मंत्र पढ़ते हैं जो आप हम मुझे पूछ रहे थे उस दिन क्या है तुलसी जी का मंत्री तो उसमें कोई लोग विष्णु बोलते हैं तो अगर आप विष्णु बोल रहे हो तो आपको ये ये और, आप विष्णु बोल रहे हो अगर आपको पता है आपको समझ है आप रूपनोग हो तो आपको ये याद रखना होगा कि वो विष्णु कौन है कृष्ण राधा रानी और गोपी वाले mm -hmm. वो वो कृष्ण विष्णु स्टैंडिंग विद इन वृंदावन देन यू आर ओके देन यू विल बी ए रूपन होगा बट अगर आप वो तुलसी जी का मंत्र पढ़ते हो और आप बोलते हो हाँ हाँ, हाँ हम चेतने महाप्रभु के संप्रदाय में हैं लेकिन वहां पे आप विष्णु को समझ रहे हो नारायण चार भुजाओं वाला लक्ष्मी के साथ या द्वारका वाला रुक्मणी के साथ देन यू आर नॉट ए रूप अनुगा एंड यू आर नॉट इन द संप्रदाय ऑफ महाप्रभु ये अंतर है कौन बताएगा ये हमारे गुरुदेव बताएंगे दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दो इन द लाइन ऑफ शिला रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी के जो संप्रदाय में है उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है इफ यू नेवर रिमेम्बर रियलाइज अगर आप ये कभी समझ नहीं पा रहे हो तो आप क्वालिफाइड नहीं होने वाले हो और आप हमारी गुरु परंपरा में फिर नहीं आ सकते यू मस्ट कम इन द प्रॉपर लाइन तो ये आपको याद रखना है प्लीज इसको नोट कर लो विष्णु मीन्स कृष्णा विद राधिका एंड गोपिस वो विष्णु होता है गौड़ीय संप्रदाय में ठीक है एक मिनट गुरुदेव बता रहे हैं कि जिसको कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी बनना है उसे इन पास टाइम्स को समझना पड़ेगा नहीं तो हम भटक जाएंगे हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कि हम रूप गोस्वामी का पास टाइम स्टेटमेंट्स को समझे एट द चैरियट फेस्टिवल फेस्टिवल होता है रथ यात्रा कंफ्यूज होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है कोई डाउट मत रखो द होल वर्ल्ड में क्रिटिसाइज यू ये गुरुदेव बोल रहे हैं द होल वर्ल्ड में क्रिटिसाइज एंड बी अगेंस्ट मी आई डोंट केयर आई केयर फॉर माई गुरुदेव फॉर रूप गोस्वामी एंड फॉर आचार्य वर्ग कृष्णाजन यू गुड इंटेलिजेंस यूज यूर ओन इंटेलिजेंस एंड रन आफ्टर अदर्स अरे कोई मेरे को जज करेगा मैं कैसे पारे के भाव की बात चर्चा करूं अरे कोई मुझे बॉयकॉट कर देगा मैं कैसे बोलूं कि जगन्नाथ ही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है और महाप्रभु उनको ऐसा कृष्णा ही देखते हैं और रूप गोस्वामी पारे के अभाव को ही ग्लोरीफाई करते हैं कृष्णा भी महाप्रभु भी अरे मेरे कोई मुझसे नाराज हो जाएगा मत वो गुरुदेव कह रहे मत सोचो इतना मत डरो अगर तुम हो रूप गोस्वामी के वचनों का पालन करो सारे गुरु वर्ग तुम्हारे साथ हैं ट्राई टू जज एंड सी एंड रीड दाइज शास्त्र इफ यू वी आर रूपन होगा वर्ग यू मस्ट फॉलो रूप गोस्वामी नॉट कंसीलिम उनको छुपाओ मत कवर मत करो अपनी बुद्धि से अगर तुम अपने पिता का नाम छुपाओगे तो क्या तुम सही चीज करोगे नहीं ना तो फिर यही सब क्यों छुपाना तो ये सब बातें हैं यहाँ पे आगे महाराज कुछ बता रहे हैं जब गोपियां अनकॉन्शियस हो जाती है ना बेहोश हो जाती है बिकॉज ऑफ बींग एब इन फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा उन्हें लगता है कृष्णा द्वारका में चले गए और राधिका राधिका ही ही गॉट अनकॉन्शियस बिकेम कृष्ण द्वारका में राधा राधा हा राधे राधे तो दिस हैड बिकम ए वेरी बिग प्रॉब्लम एंड नारद उद्धव बलदे प्रभु एंड अदर्स बिगेन डिस्कसिंग हाउ टू ब्रिंग हिम बैक टू कॉन्शियसनेस एट फर्स्ट दे सजेस्टेड दैट नारद शुड प्ले ऑन हिज वीना एंड ग्लोरिफाई मंदर मदर यशोदा द गोपीज

नारद मुनि ने मना कर दिया He will go to अगर अगर मैंने ऐसा किया कि मैंने अपनी वीणा बजाई और ग्लोरीफाई किया ब्रजवासियों को तो कृष्णा तुरंत के तुरंत कहाँ चले जाएंगे वृंदावन और कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा तो वहीं पे रुक जाएंगे वो गोपियों के साथ वो कभी वापस नहीं आएंगे <coughs> इतना राग था कृष्णा को अपने ब्रजवासियों से तो सब परेशान हो गए जलीमा मतलब क्या करें कृष्णा बेहोश भी है उनको उठाना भी है लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो ब्रज में वापस चले जाए फिर क्या बोला अच्छा उद्धव को जाना चाहिए गो मदर नंद गो गो इस आ रहे आप स्वागत कीजिएगा no कोई नहीं जान सकता कि की व्रज वासी किस स्थिति में है जैसे नंद बाबा तो अपने प्राण तक नहीं दे पा रहे ना गोपिया वो देना चाहते है नंद बाबा को इतना अफसोस होता है कि दशरथ महाराज को जैसे ही पता चला मतलब जैसे उनको अनुभव हुआ कि राम अब चले गए तुरंत उन्होंने क्या किया शरीर छोड़ दिया नंद बाबा कहते हैं मैं नहीं कर पा रहा ऐसा मैं कितना बुरा बाप हूं लेकिन असली में क्यों नहीं वो शरीर छोड़ पा रहे क्योंकि कृष्णा को जब पता चलेगा कि नंद बाबा नहीं रहे तो कृष्णा को कितनी पीड़ा होगी गोपियां भी यही यही सोचती हैं कि कृष्णा को पता चलेगा कि गोपियां नहीं रही कृष्णा को कितनी पीड़ा होगी इसलिए कोई कोई भी कोई अपना शरीर नहीं छोड़ पा रहा वो जैसे तैसे प्राण धारण करके बस मरे हुए हैं पड़े हैं, हैं पर वीरह में है। तो उद्धव को भेजा जा रहा है कहाँ पे वृंदावन में देखो यहाँ पे लिखा है सम आर इवन लाइंग हेयर एंड देयर अनकॉन्शियस कैन यू इमेजिन कि हम कभी कृष्णा के लिए ऐसे पढ़े अधमरे से बेहोशी की हालत में क्योंकि हम अभी राग अनुगा नहीं है रूपानुगा नहीं है इसीलिए ब्रजवासी सब क्या है राग अनु रागतम है वो तो इनके पास क्या भाव है उसको देने के लिए रूप गोस्वामी आए और जो रूप गोस्वामी की बुक्स पढ़ते हैं वो होते फिर रूपानुगा वेन हियर द कृष्णा इज कमिंग अच्छा

जहां पे उद्धव प्रार्थना कर रहे हैं कि काश में एक लता बन जाऊं लता पता क्रीपर ती जब भी गोपियां गुजरे यहाँ से तो उनकी चरण धूली मुझे लगे पेड़ बन जाऊंगा तो मुझे कैसे उनकी चरण धूली मिलेगी इसलिए मुझे क्रीपर बनना पड़ेगा प्लांट वो ऐसे हम्बल हो गए थे उद्धव जी जो बृहस्पति के शिष्य है ज्ञान का उनको पहले बहुत प्राइड था लेकिन गोपियों ने सारा उनका ज्ञान खत्म कर दिया तो जब उद्धव को पता चला कि उनको भेजने की बात चल रही है वो बहुत दुखी हो गए क्या बोला इफ आई गो टू वृंदावन एंड से दैट कृष्णा इज कमिंग दे विल नॉट बिलीव मी क्योंकि मैं पहले भी उनसे झूठ बोल चुका हूँ पहले जब गए थे ना उद्धव फर्स्ट टाइम तब भी वो ऐसे ही बोले थे अरे कृष्णा आ रहे हैं आप फिक्र मत कीजिए बस आने ही वाले लेकिन कृष्णा आए नहीं अभी भी कहां पे द्वारका में <coughs> <coughs> तो वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे ऐसा बोला था बट ही गेव ऑल इट्स यूजलेस फॉर मी टू गो बिकॉज दे विल नॉट बिलीव मी दे लायर हैज कम चीटर हैज कम मदर यशोदा तो जरूर मुझे चीटर बोलेगी नारद मुनि बोलते हैं देन बलदेव प्रभु शुड गो

दो दो भागों में बटी है प्रकट अप्रकट तो दुनिया की नजर में लीला चल रही है कि वो द्वारका में वही कृष्णा है जो वृंदावन में थे और उन्होंने शादी कर लिए वो अब एंजॉय कर रहे हैं बच्चे बच्चे पैदा कर रहे हैं अपने पैलेसेस बना रहे हैं इतनी सारी वाइफ है उनकी एंड ही इज इंजॉय ब्रजवासी वहां दुखी हो रहे तो ये सब एक लीला के तौर पे है दुनिया को सिखाने के लिए बताने के लिए प्रेम क्या होता है बट ऑलवेज कृष्णा वॉज दे ठीक है जैसे दुनिया को लग रहा है राम जी ने गलत किया सीता का त्याग कर दिया लेकिन हमारे गुरुदेव क्या बताते हैं अरे राम ने कभी सीता का त्याग किया ही नहीं वो तो कंद मूल खा के बस जमीन पे सोते थे उल्टा सीता जी तो भी अच्छी बेटर कंडीशन में थी उनके पास दो पुत्र थे वाल्मीकि जी थी उनसे हरिकथा सुनती थी वाल्मीकि जी थे और उस आश्रम की और भी स्त्रियां थी राम जी के पास कोई भी नहीं था तो ये ये भी ये ये जो रस है ये किसने बताया गुरुदेव ने सो so, ऐसे वो गुरुदेव सेम पॉइंट बताते हैं कि व्रजेंद्र नंद श्याम सुधर कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते ये द्वारका कृष्ण है जो ऐसी लीला कर रहे हैं हाँ जाऊंगा जाऊंगा वृंदावन जाऊंगा 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 जाता नहीं है पर दुनिया को दिखाने के लिए कि कैसे ब्रजवासी तड़पते है मेरे लिए उनकी महिमा को प्रचलित करने के लिए जैसे दुर्वासा मुनि भी तो अम्बरीश महाराज को क्रोध कर रहे थे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे और उ, उनको उनके पीछे भूत लगा दिया जाओ सो खत्म कर दो लेकिन वो क्यों किया उन्होंने अम्बरीश महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए आचार्य की वैष्णव की एक्शन से हम उनको जज नहीं कर सकते वो बेशक लग रहा है कि गलत कर रहे हैं पर वो एक्चुअली में दूसरे भक्त की ग्लोरिफिकेशन के लिए किया जाता है ताकि सारी दुनिया एकादशी की महिमा समझे और अम्बरीश महाराज <coughs> <coughs> कितने हाई लेवल के भक्त है <coughs> क्योंकि वो भूत उन्हें कुछ कर ही नहीं सका वो डीमन वहां पे सुदर्शन चक्र आ गया था अमरीश महाराज की रक्षा के लिए क्योंकि वो सुदर्शन चक्र फिर एक साल तक दुर्वासा मुनि के पीछे भागा कभी ब्रह्म लोक में दुर्वासा मुनि जा रहे हैं उनके पीछे विष्णु लोक में उसके उनके पीछे शंकर के लोक में उसके पीछे तो गुरुदेव बताते हैं कि सुदर्शन चक्र इतना स्ट्रांग होता है ना ये फट से खत्म कर सकता है लेकिन दुर्वासा मुनि को क्यों इतना भागना पड़ रहा है बिकॉज बोथ आर जस्ट एक्टिंग आगे आके दुर्वासा मुनि और जस्ट उनके पीछे पीछे सुदर्शन चक्र कि जो एकादशी का पालन करता है उसका कभी नुकसान नहीं होता वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल uh, होता है एकादशी की महिमा और अम्बरीश महाराज की महिमा बताने के लिए दुर्वासा मुनि ने ऐसा क्रोध किया तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे ना हाँ जाऊंगा जाऊंगा गे नहीं पर दे टू शो अस कि कितना राग है राघा वैश्व्रजवासियों के हृदय में कृष्णा के लिए अपने प्राण तक नहीं वो दे पाते यू हैव मोर टाइम आई डोंट नो वाई दिस क्रूल कृष्णा नेवर वॉन्ट्स टू गो देर टू बी वेरी सॉफ्ट कृष्णा तो इतना सॉफ्ट था स्वीट था पर पता नहीं क्यों नहीं जाता है वृंदावन में इफ आई गो द्रज वास अबाउट मी फिर से बलदेव प्रभु बोल रहे हैं कि जैसे उद्धव को बोलेंगे आ गया चीटर वैसे मुझे बोलेंगे आ गया चीटर सो वाइल देवर डिस्कसिंग वॉट टू डू कृष्णा सिस्टर सुभद्रा केम एंड शी हर्ड एवरीथिंग और क्या बोली सुभद्रा डोंट वरी सुभद्रा योग माया का मैनिफेस्टेशन है ठीक है यू कैन नोट दिस डाउन शी विल आई एम गोइंग आई गो टू वृंदावन एंड टेक दर्शन ऑफ मदर यशोदा फर्स्ट आई विल ऑन हर लैप

बहुत सारी प्रेयर्स करने लगे दैट इज बाय आई हैव फर्स्ट इसलिए मैं पहले आ गई अभी कृष्णा अपना उनका राजा लोग उनका अर्चन कर रहे हैं वो थोड़ा सा लेट आएगा कृष्णा पर वो रस्ते में ही है कुछ घंटे में आ जाएगा कुछ दिनों में आ जाएगा बट ही इज कमिंग आई गो डोर टू डोर टू द गोपीज होम्स वहां जाके भी मैं सबको कंसोल करके ऐसे बोलूंगी मतलब पहले उद्धव जी गए बलदेव प्रभु गए इसलिए वो दोनों अब जाने से मना कर रहे हैं कतरा रहे हैं अब सुभद्रा मैया पिक्चर में आके बोल रही कि मैं जाऊंगी और सब गोपियों को ये बोलूंगी कि वेट ही कृष्णा इज कमिंग नाउ प्लीज बी हैप्पी मैं कंसोल करूंगी उनको सेपरेशन मी मत फील करो मत करो अब खुश हो जाओ कृष्णा इज कमिंग दे विल बिकम हैप्पी एंड देन आई विल टेल देम यू शुड ऑल बी रेडी टू वेलकम कृष्णा लेटर आई विल प्ले ट्रिक एंड टेल मदर Tell my brother, oh you are are sitting here, your 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 mother Devke, your father Vasudev, and all your queens are living there in Dwarka. Dwarka I'll bring him back to Dwaraka by some trick. रही है बेसिकली कभी कृष्णा को बोल रही है कि द्वार का चलो और कभी ब्रजवासियों को बोल रही है कि कृष्णा बस आने ही वाले हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप राइट और फिर आफ्टर दैट नारद श्रुद्ध sing द ग्लोरी ऑफ ब्रज

रथ <laughs> यात्रा समझ रही हो तुम इसलिए रथ पहले सबसे पहले जो निकलता है पूरी में उसमें आगे सुभद्रा जी होती है कि सुभद्रा जी कहा जा रही है वृंदावन किससे मिलने यशोदामयर गोपियों से और क्या बोलेंगी जाके उनको कि कृष्णा आने वाले हैं कृष्णा इज अबाउट टू कम कृष्णा इज अबाउट टू कम बस मैं पहले इसलिए आई क्योंकि बीच में हमें बहुत सारे राजा मिल गए वो क्या करने लग कृष्णा की स्तुति अर्चन इसलिए मैं पहले आ गई और फिर कृष्णा जब आ जाएंगे तब तो मैं कृष्णा को द्वारका वापस फिर से ले आऊंगी क्या बोल के अरे चलो चलो वहां पे तुम्हारी रानी तुम्हारा वेट कर रही है ये है रथ यात्रा का रहस्य जो आई एम श्योर sure बहुत से लोगों को नहीं पता है कि रह क्यों रथ यात्रा निकलती है रथ यात्रा निकलती है मतलब आज ब्रजेंद्र नंदर श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हैं व्रज में वृंदावन वृंदावन हाँ तो वृंदावन ब्रज में ही तो आता है ना भाई तो हमारे सारे फेस्टिवल्स जो भी होते हैं चाहे वो वसंत पंचमी हो चाहे वो नौका विहार हो झूलन हो कार्तिक हो रथ यात्रा हो गौर पूर्णिमा सब ब्रज के भाव पे ही सेंटर्ड है कोई भी हमारा फेस्टिवल द्वारका के भाव पे सेंटर्ड नहीं है मथुरा इवन जन्माष्टमी क्योंकि जन्माष्टमी में हम क्या करते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद बाबा को पुत्र हुआ है, हमारे सारे फेस्टिवल्स ब्रज को ग्लोरीफाई करते हैं ब्रज के सेंटर में है रथ यात्रा भी ब्रज को ग्लोरीफाई करती है क्यों सुभद्रा मैया का रथ सबसे आगे रहता है हमने अभी पढ़ा बिकॉज वो जा रही है ब्रज में मैसेज देने गोपियों को यशोदा मैया को नंद बाबा को इसलिए उनका रथ सबसे आगे है फिर बलदेव जी का सेकंड लेवल पे होता है सेकंड नंबर पे कि अच्छा मेरा भाई और मेरी बहन जा रही है तो मैं क्यों ना जाऊं लास्ट में होता है कृष्ण का रथ ये मैं पता होना चाहिए तुम अगर ये सब जानोगी ना पूर्णमासी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा क्योंकि तुम्हें हायर लेवल की बातें फिर पता होगी लेकिन कभी अभिमान मत लाना अपने आप में क्योंकि कृपा तभी मिलती है जब कृपा लेना चाहते हैं अगर तुम कृपा चाहते हो कोई कृपा चाहता है तो उसे कृपा के लिए उन बुक्स का अनुसरण करना पड़ेगा जो वो हमारे आचार्य हमें के गए हम कैसे बोल सकते हैं हमें रूप गोस्वामी की कृपा मिले जब हमें उनका मूड ही नहीं पता रूपा गोस्वामी की तिथि आई है प्राकृतिक दिवस है बस उनके आगे भोग की थाली रख दी तो क्या हम कहल, कहलाए जाएंगे नहीं ये सब समझना पड़ेगा ये सब समझना पड़ेगा कि जो विष्णु स्मरणम वो विष्णु कौन है वो कृष्णा जो राधा रानी गोपियों के साथ होते हैं ये है रूपानुगा भाव राघोनुगा और ये महाप्रभु का भाव राधा भाव इज सो ब्यूटीफुल तो बलदेव प्रभु कहते हैं कि अगर मेरे भाई और बहन जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए मैं भी अपनी माँ बाप से मिलना चाहता हूँ यशोदा मैया नंद बाबा से अपने सखाओं से मैं यहाँ अकेला क्यों रहूं द्वारका में इसलिए बलदेव प्रभु आगे आगे उनका रथ है महाप्रभु से पहले दूसरा चैरियट है ये कथा किसने करी है गुरु गोविंद गोसाई महाराज ने और गुरुदेव इसको सुना रहे हैं गुरुदेव ने जब ये कथा पढ़ी तो गुरुदेव हैरान रह गए थे कि गौर गोविंद गोसाई महाराज ये सब जानते हैं कितने रसिक हैं वो तो जब किसी आचार्य की तिथि है हमें उनके भाव समझने होंगे सिर्फ उनको दीपक दिखाने से उनके आगे लड्डू रखने से हम उनको रियल ग्लोरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे जब जब हम उनके ये भाव समझेंगे तब वो आचार्य हम हमसे हम खुश होंगे

फिर नारद मुनि को रिक्वेस्ट क्या किया गया टू ग्लोरीफाई ब्रज एंड अ बाय हिज वीना ही बिगन टू सिंग वेरी ब्यूटीफुली एज नारद स्वीट ग्लोरिफिकेशन ऑफ र्रज एंटेड कृष्णाज इयर्स ही रिगेन कॉन्शियसनेस एंड थॉट इट इज मॉर्निंग एंड आई एम इन व्रज वेर इज माई स्वीट वंशी तो नारद जी के भजन को सुन के कृष्णा को ये रिमेम्बरेंस आ रहा है कि मेरी बांसुरी कहाँ है मैं तो ब्रज में हूं कहा वेरी ट्रिकी उन्होंने मेरी बांसुरी छुपा दी दीड अगेन आई विल गिव दम ए गुड लेसन मैं उनको सीख सिखाऊंगा एक अच्छी एंड देन स्टूड इन ए ब्यूटिफुल थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म त्रिभंगा है कृष्णा वैसी त्रिभंगा है उनका कुंड। एस ही है किसी ने द्वारका में कृष्णा का फॉर्म नहीं देखा था ठीक है ऐसी बिगेन सर्चिंग ललिता ललिता ने मेरी बांसुरी ले ली होगी अगर ललिता नहीं है तो राधिका रादि ने चोरी कर ली होगी विशाखा की मदद से ऐसा सोच रहा है कौन कृष्ण ही कृष्ण ढूंढ रहे और इन द मीन टाइम उनको कौन मिल गया उद्धव उद्धव आयो यूर वृंदावन तो कृष्णा उद्धव को कि तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो ये सब नारद मुनि की वीणा पे जो वो भजन बजा रहे थे ना उसको सुन के कृष्णा को उनका कॉन्शियसनेस कहा चले गया वृंदावन

इतने ज्यादा हो गए थे कृष्णा दैट ही टू रन अवे टू वृंदावन सो क्विकली टू मीट द गोपास एंड गोपीस उद्धव तोल्डी प्रभु योर चाइल्ड इज रेडी बिकॉज वी न्यू दैट यू डू दिस यू कैन माउंट योर चाइल्ड एंड गो टू वृंदावन इमिडिएटली हमें पता था भगवान आप वृंदावन को मिस करोगे इसलिए हमने आपका चैरियट रेडी रखा है आप इसे बस बैठ जाइए फटाक से उड़ जाइए वृंदावन चले जाइए इसलिए लास्ट में रथ किसका होता है कृष्ण का जगन्नाथ जी का हु जगन्नाथ नंदन श्याम सुंदर ये सारे पास टाइम्स गौड़िया वैष्णव ही बता सकते और कोई बता नहीं सकता कृष्णा वॉन्टेड टू एसेट बट ही वॉज सो मैड इन राधा प्रेम ही कुड नॉट वॉक प्रेम में होता है ना एक्चुअली वो थोड़ा लड़खड़ा के चलता है बेहोशी की हालत में होता है क्रुंदन कर रहा होता है रो रहा होता है तो फिर लोग उनको सहारा देने लग गए होल्डिंग हिज हैंड हेल्पिंग हिम फ्रंट एंड बैक बोथ द साइड्स

बहुत ज्यादा सेपरेशन की अनुभूति करने से ऐसा लग रहा है कि इनके प्राण जाने ही वाले हैं अबाउट टू डाई नॉट ब्रीदिंग इन और आउट सांस ले भी रही है कि नहीं पता नहीं किसी को सब ब्रजवासी दुखी हो गए शी इज गोइंग टू लीव हर बॉडी सब ने अपनी उम्मीद छोड़ दी जिंदा रहेगी भी कि नहीं हम इसको बचा नहीं पा रहे ये तो मर जाएगी जब ये सब चल रहा था सब सखियां आ गई किसके पास राधा रानी के पास और वो बहुत दुखी थी चंद्रावली भी आ गई भाई बताओ जरा चंद्रावली विपक्ष, विपक्ष पार्टी की है चार टाइप की सखिया है ना सपक्ष विपक्ष तट और चौथा मुझे नहीं पता तो चंद्रावली जो है वो भी विपक्ष है राधा रानी की बहन है राधा रानी की एक्सटेंशन है वो

Nanda भवन, so that Krishna can walk on me and I can touch him. As she lamented in this way, she again became unconscious. ये कितनी हाई लेवल की बातें हैं जो राधा प्रेम राधा रानी प्रेम में है ना कृष्ण प्रेम में तो वो बोल रही हैं देखो कृष्ण राधा प्रेम में है ऊपर भी पढ़ा ना कृष्ण इज इन राधा प्रेम तभी वो लड़खड़ा के चल रहे हैं। और राधा रानी कृष्ण प्रेम में है तभी वो बोल रही हैं कि अगर मैं मेरा शरीर मेरे प्राण निकल जाए मेरे शरीर को तमल वृक्ष बांधने बांध देना तमल ट्री जो होता है वो थोड़ा काला सा होता है वो हमेशा राधा रानी को कृष्ण की याद दिलाता है उसकी बा, बार्क <coughs> और मे, मेरे को कहाँ पे फिर ताकि मेरे लेट द एयर मेरे हवा शरीर में जो हवा है वो नंदगांव जाए कृष्णा को मिले मेरे चरण धरती को टच करें फिर वो कोर्टयार्ड में मिक्स हो जाए नंद भवन के कृष्णा वहां पे चले ऐसा भाव वो रख रही है थोड़ा सा ही बचे पूर्णमा से आई होप वी कैन इट टुडे तो आगे ये बोल रहे हैं तीन चार ब्रज में गए सुभद्रा मैया का बलदेव प्रभु का और कृष्ण का ठीक है कृष्णा पहुंचे ही हट राधा इज गोइंग टू डाई पता चल गया कृष्णा को कि राधा तो प्राण छोड़ने ही वाली है अब वो जिंदा नहीं बचेगी फटाक से कृष्णा किसके पास गए रैन वेरी क्विकली टू द स्पॉट शी वॉज गिविंग अप हर बॉडी जब कृष्णा ने राधा रानी को देखा ही बिगेन टू क्राई ब्रिटरली बिकमिंग मोर एंड मोर एब्सॉर्ब इन राधा प्रेम तभी तो जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है भाई साहब समझ रहे हो आप ये सब लीलाएं? है जगन्नाथ जी के हाथ नहीं होते ना वो इसलिए नहीं है क्योंकि आचार्य हमें बोल रहे हैं कि राधा प्रेम में वो इतना रो रहे हैं वियोग को कि उनके हाथ और पैर दोनों पिघल गए द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी ऑल्सो मेल्ट मीन हिज लिम्स एंड हिज फेस एज वेल ओनली टू लार्ज राउंड आईज रिमेन्ड क्यूंकि प्रॉपर नोज लिप्स भी नहीं है ना जगन्नाथ जी का पाए देम लाइक कृष्ण ये है रथ यात्रा का रियल एसेंस क्यू रथ यात्रा निकालते हैं क्यों सुभद्रा जी का रथ सबसे आगे है क्यूँ वो लोग वृंदावन गए और क्यों जगन्नाथ जी के हाथ और पैर ऐसे ऐसे हैं अलग है यूनिक है ब्यूटीफुल है स्पेशल है बिकॉज राधा भाव में जब वो वियोग कर रहे थे तो उनके लिम्स मेल्ट हो गए अब सुनो आगे ललिता जी राधा रानी के कान में क्या बोलती हैं राधा राधा कृष्णा कृष्णा टू मीट यू डोंट डाई विशाखा ने दूसरे कान में बोला कृष्णा आगे तुमसे मिल रहे क्यों ये बोल रहे फट से राधा रानी हमारी बस खड़ी हो जाए हमें छोड़ के ना जाए उन्हें खुशी होनी चाहिए उनके प्राण ना था आगे उनके पास ग्रेजुअली राधा रानी रिगेंट हर एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस उन्होंने अपनी आंखें खोली और किसको देखा अपने सामने किसको पाया कृष्ण को ब्यूटीफुल कृष्णा है और राधा रानी ने उन... उनको देखे कृष्णा को देखे खूब सी अनुभव करी कृष्णा कृष्णा को भी कृष्णा का भी प्रेम इंक्रीज हुआ एंड दोनों फिर से क्या हो गए अनकॉन्शियसनेस ही लॉस एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस और ज़मीन पे रोल करने लगे तो अब आपने पुनरिक विद्या नीति का अगर आपको पांच टाइम याद है आई नीड वॉटर पर इट्स वेरी फार अवे दो थो अभी थोड़ा सा बचा <coughs> एक दो तीन चार पांच छह ये पैराग्राफ तो पुण्डरी विद्यानिधि एक्चुअली में जब उनको ये श्लोक बताया गया गोविंद प्रभु ने बोला कि कृष्णा कितने मर्सीफुल है वेन कृष्णा अः सॉरी व्हेन पुण्डरी विद्यानिधि हड पुण्डरी विद्यानिधि हर्ड श्लोक का एस बाय गोविंद प्रभु की कृष्णा ने पूतना को भी अपने धाम में स्थान दे दिया जो उनको विषय देने आई थी पॉइजन एज एज माँ के रूप में आई थी उसको स्वर्ग नहीं दिया क्या दिया धाम में दर्जा दे दिया माँ के लेवल का कितने कृपालु हैं कृष्ण ओ माय गॉड तब उन्होंने यही सिमटम दिखाए थे वो भी जमीन पे गिर के रो रहे क्रंदन कर रहे थे रोलिंग ऑन अर्थ पे रोल कर रहे थे धरती पे और सारे कपड़े जो उनके सिल्क क्लोथ थे ना अपने हाथों से उन्होंने फाड़ दिए थे जो कपड़े गदादर पंडित दे के सोच रहे थे कि ये तो भोग ही लग रहे हैं मुझे इंजॉयर लग रहे हैं सेंस इंजॉयर वो सारे के सारे कपड़े उन्होंने फाड़ डाले कृष्णा से ऐसा प्रेम है जो कृष्ण प्रेम में होता है ना उसको ये एक्सटर्नल चीजों का लोभ नहीं होता अरे मेरे रोने से कहीं मेरे कपड़े ना फट जाए आजकल की जब आप देखोगे बॉलीवुड के जो लोग हैं उन्हें कभी किसी को श्रद्धांजलि भी देने जाना होता है ना वो ऐसा ऐसा कपड़ा पहन के जाते हैं ऐसे 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 ग्लासेस पहनेंगे क्योंकि वो भाव के साथ नहीं जा रहे किसी को श्रद्धांजलि देने वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं इसलिए उनको कपड़ों पे बहुत रहता है लेकिन हमारे आचार्य जो है दी, ये ऐसे रो, रे, रो पा रहे हैं? जबकि इनके कपड़े सिल्क के थे और फट गए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो एक्सटर्नली कॉन्शियस नहीं है ही इज इन राधा कृष्ण प्रेम राधा भाव ये कृष्ण कितने दयालु कृपालु मर्सीफुल हैं कितने प्यारे है कितने सुंदर है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके कपड़े फट रहे हैं उनकी चादर फट रही है उनका ग्लास गिर के टूट रहा है ही इज इन सो मच लव तो सेम सिम्टम कौन दिखा रहा है कृष्ण और ऐसा ही सिम्टम गौर गोविंद गोसाई महाराज की जीवनी में से भी पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसा सिम्टम दिखाया तब लोग उनको पागल समझने लग गए थे एंड देन कृष्णदास दास बाबा जी महाराज केम इन द पिक्चर ही सेड डोंट डिस्टर्ब हिम ही इज इन कृष्ण प्रेम ये होता है रसिक वैष्णव राधिका ने फिर विशाखा को क्या बोला प्लीज हेल्प कृष्णा अदरवाइज ही में डाय क्योंकि अब कृष्णा अनकॉन्शियस हो गए राधा रानी को इतने दिनों के बाद देख के अब पहले सखियों ने राधा रानी को ओ, ठीक किया उनके कान में बोला अरे कृष्णा आगे उठो उठो कृष्ण आगे राधे राधिका कृष्णा है इसकम कृष्णा है इसकम अब राधा रानी विशाखा सखी को बोल रहे अरे प्लीज प्लीज कृष्णा की हेल्प करो ही में डाय अरे भगवान मर सकते हैं क्या हमें हाँ तो गीता जी में बताया जा रहा है भगवान नित्य है ट्रुथ तो क्यों राधा रानी बोल रही है ही डाय ये रस की धारा से बोला जा रहा है भाई एक है ज्ञान गीता जी का और एक है रस फिलोसफी भी है रस भी है सिद्धांत हमें सब पता होना चाहिए है ना तो ये राधा रानी जब ऐसे बोलती है ही डाय तो ये रस है राधा रानी बेहोश हो रही है ये रस है यू में यू नो द मंत्र टू रिवाइव हिम राधा रानी विशाखा सखी को बोल रही है भाई तुम्हें कोई तो मंत्र आता होगा प्लीज इसको इसको कॉन्शियसनेस में लाओ भाई इसके कान में कुछ तो बोलो क्या बोलती है विशाखा दे, देवी राधा राधा मैंने कृष्णा हर्ट दिस स्वीट इंजेक्शन ऑफ द पॉवरफुल मंत्र फ्रॉम द लिप्स ऑफ विशाखा

इन दैट वे एवरी वन विज दिथाउ यू कौन से फॉर्म जो जब कृष्णा ने वो वो जो हुआ था ना अभी उनके लिम्स मेल्ट हो गए और राधा रानी को रो देखते हुए की शी इज अबाउट टू लीव हर बॉडी तो कृष्णा रो रहे हैं बिटरली फूट फूट के बच्चे की तरह रो रहे हैं तो उसमें उनका लिम्स मेल्ट हो गए हाथ पैर फेस और जब सुभद्रा मैया और बलदेव प्रभु ने पीछे से उनका रथ पीछे था देखो सुभद्रा मैया बलदेव प्रभु का रथ आगे आगे चल रहा था लेकिन सबसे पहले कौन पहुंचे कृष्णा क्यों क्योंकि क्यों, उनका क्यों, क्यों प्लेन उड़ के आया था तो जब बाद में पहुंचे बलदेव प्रभु और कृष्ण सुभद्रा देवी तब उन्होंने जब ये देखा कृष्णा रो रहे तो उनके भी लिम्स मेल्ट हो गए अब नारद जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन तीनों को कि ये ऐसे सुंदर विग्रह आपके दुनिया के लिए प्रकाशित कीजिए तो कृष्णा क्या बोलते हैं तथास्तु 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 एवं भवतु। व्हाट इज नीलांचल जगन्नाथपुरी नीला मतलब ब्लू आंचल मतलब पल्लू साड़ी का पल्लू तो नीला साली का का, साड़ी का पल्लू है राधा रानी का बिकॉज शी वे ब्लू साड़ी विच विल बी द्वारका द्वारका भी बोल सकते हैं एंड एवरी वन विल बी एबल टू कमेंट सीमी देर और सब वहां पे आके मेरे दर्शन करेंगे तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो पास्ट है मैंने आपको बताया ना ये बहुत छोटे में मैंने आपको बताया ये बहुत डेप्थ में था मैंने इसको शॉर्टकट में आपको बताया ये प्योर डिवोटी इस तरीके से जगन्नाथ की रथ यात्रा पे चिंतन करते हैं और गौर गोविंद गोसे महाराज ने इसी को टच किया है अपनी बुक्स में ठीक है अब मुझे लगता है आज के बाद से पूर्णमासी तुम्हें रथ यात्रा पे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी और तुम अच्छे से दूसरों को एक्सप्लेन कर सकती हो बाय द मर्सी ऑफ गौर गोविंद गोसे महाराज एंड हिज होलीनेस शीला गुरुदेव हमें आज दो हम दोनों को ये अच्छा टॉपिक मिल गया ग्लोरीफाई करने के लिए इसको आगे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ही बचा है देन वी कैन एंड अवर सेशन यू शुड नो दैट दे आर फोर ग्रुप्स ऑफ गोपीज अभी मैंने आपसे यही डिस्कस किया था चार तरह की गोपीज होती हैं व्रज में स्वपक्ष जो राधा रानी का पक्ष लेती हैं, स्वपक्ष विपक्ष जो जो राधा रानी के विपक्ष में होती हैं, जैसे चंद्रावली तटस्थ, जो न्यूट्रल होती हैं, ना ना विपक्ष में ना स्वपक्ष में एंड स्पुर पक्ष जो बिकमिंग टू द ग्रुप दैट इज फ्रेंडली टू हर सॉरी वन सेकेंड मुझे उसको फिर से पढ़ने दो सुहृत पक्ष बिलोंगिंग टू द ग्रुप दैट इज फ्रेंडली टू हर अच्छा हमसे जो फ्रेंड करे फ्रेंडशिप करेगा हम उस उसके तरफ जाएंगे ऐसा है उनका भाव <coughs> अगर चंद्रावली मेरे पास आएगी अच्छा फ्रेंडली मूड लेके तो मैं उसके ग्रुप में चले जाऊंगी ऐसा तो ये आप लिख लो <coughs> आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चार तरह की गोपियां व्रज में होती है स्वपक्ष विपक्ष तड़सट और सुहृत पक्ष सुहृत पक्ष जो उसके पास जाएंगे जो उनसे फ्रेंडली होगा ठीक है एंड कृष्णा पास टाइम्स कहना हाँ कृष्णा के जो इतने भी लीलाएं लीला हैं वो इन चारों के बिना संभव नहीं है ठीक है हाउ एवर दे आर नो पार्टीज वेन कृष्णा डिसअपियर्स

मैं उनका नाम भूल रही हूँ वो जो एक थे जो लेने आए थे कृष्ण बलराम जी को मथुरा से से उनका नाम होता है मैं भूल गई हूँ उनके रथ के सामने गोपियां लेट जाती हैं कि हम हम नहीं जाने देंगे कृष्ण को हमने हमारे ऊपर से रथ चला लो ना रो रहे हैं कृष्णा का रथ जा रहा है वो रो रही है उस टाइम पे सब गोपियां एक ही हैं हो जाती हैं उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि ये चंद्रावली के ग्रुप की है ये राधिका के ग्रुप की है तब सबको इतना विरह जो हो रहा है इसीलिए एट दैट टाइम ऑल द पार्टी कृष्णा एंड दे हेल्प इच अदर चंद्रावली और भद्रा और एनी ऑफ द अदर्स में कम एंड पेसीफाई श्रीमती राधिका तो ऐसे उस टाइम पे चंद्रावली भी राधा रानी को आके पेसिफाई करती है क्योंकि राधा रानी सबसे ज्यादा सेपरेशन अनुभव करती है

और वो क्या बोलते हैं राधा रानी को ओ राधिका यू शुड नॉट वीप कृष्णा विल कम ये होता है कंसोल करना जैसे कोई मर जाता है हमारे जड़ जगत में आप उसे घर गए होगे तो क्या बोलते हो मत रो वो आपको अभी भी देख सकते हैं वो यहीं पे हैं। ये जड़ जगत का जड़िए कंसोलमेंट है लेकिन ट्रांसजेंडल कंसोल कैसे किया जा रहा है राधा रानी को क्या बोल रहे हैं कृष्णा कम मत रो इवन चंद्रावली भी डीप सेपरेशन मूड रखती है पर शी विल आल्सो कम एंड कंसोल राधा रानी हाउ ब्यूटीफुल राइट ये है ब्रज भक्ति आगे पढ़ते हैं तो जितने भी ये सब इं, इंट्रैक्शन हम देख रहे हैं ना गोपियों के बीच की सब क्या है मिस्टीरियस और इनको रियलाइज करने से हमें कहां पे एंट्रेंस मिलेगा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पास टाइम्स में तो ब्रज के पास टाइम्स ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पास टाइम्स है अत्यंत स्पेशल पर उसके लिए हमें क्वालिफाइड होना होगा अगर आप में पात्रता नहीं है आप इन लीलाओं को नहीं समझ पाओगे आप इनमें दोष निकालोगे दोष बुद्धि रखोगे जिस तरीके से हम भक्तों में दोष ढूंढते हैं अरे ये तो ऐसा है ये तो वैसा है इसने अच्छे से सेवा नहीं करी तो हमारी पात्रता नहीं बनेगी हम भगवान की लीलाओं में भी क्या करेंगे दोष बुद्धि रखेंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप वैदी भक्ति करिए ट्राई टू फॉलो रेगुलेटेड भक्ति वो ही वैदि भक्ति होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन योर स्पिरिचुअल लाइफ आप क्या हो जाओगे कामी लस्टी और कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कृष्णा के पास टाइम तो मेरे जैसे ही है मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला कृष्णा करे तो रास लीला कृष्णा कृष्णा ने इतनी सारी शादी की तो मैं क्यों नहीं कर सकता चलो डिवोर्स ले लेता हूँ दूसरी वाइफ लाऊंगा दूसरी गर्लफ्रेंड लाऊंगा डेट करूंगा ये तब होता है जब हम अपराध करते हैं तब हमारी ऐसी बुद्धि बनती है संतुष्टि नहीं रही भक्त तो हमेशा संतुष्ट होता है भाई कभी भी भक्त दुखी नहीं होता कभी भी नहीं मच्छर काट रहे होंगे ना तो भक्त क्या बोलेगा भगवान चाहते मैं चार बजे उठ के भजन करूं इसलिए मच्छर काट रहे लेट मी अप एंड डू माई भजन लेकिन जो दोष बुद्धि रखता है उसको अपनी वाइफ में भी प्रॉब्लम होगी अरे मेरी वाइफ सुंदर नहीं है लेट मी गेट मैरिड अगेन तो क्या क्या ही भजन होगा उससे हमारा है ना तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अभी तुम रूपानुगा नहीं हो वैदी भक्ति करो नहीं करोगे वैदी भक्ति अगर श्रवनम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम जो हमने नवता भक्ति डिस्कस की थोड़ी देर पहले तो तुम क्या बन जाओगे लस्टी तुम्हारा अंदर का लस्ट जब तक नहीं जाएगा तब तक तुम रूपानुगा नहीं बनने वाले हो वही रूपानुगा हो सकता है जिसके अंदर अनर्थास नहीं है हमेशा भक्ति में डिटरमाइंड रहो फिक्स रहो गुरु सेवा करो और वैदी भक्ति करते 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 एक दिन रूपानुगा बन ही जाओगे क्योंकि लक्ष्य है हमारा राधा दास्यम हमारा लक्ष्य वैदी भक्ति नहीं है राधा दास्यम होना बहुत बड़ी पद्धति है अगर वो लक्ष्य है तो अनर्थास खत्म होने ही होंगे करने ही पड़ेंगे मतलब है ना अरे भाई आज तक तुमने किसकी सेवा करी ये तो सोचो अपने मन की अपनी इंद्रियों की अब गुरुदेव आपको राधा रानी की सेवा प्रदान कर रहे हैं तो क्या वो ऑर्डनरी चीज है उसके लिए हमें खुद अपने आप को उसके लिए हमें अपने को एलिवेट करना पड़ेगा राधा रानी की सेवा करने के लिए कुछ गुण तो अपने में लाने पड़ेंगे पाप करते करते अपराध करते करते कोई राधा रानी की सेवा कर सकता है क्या तो ये इसलिए गुरुदेव ऐसे समझा रहे हैं तो एक ग्रंथ है गोविंद लीला मृत <coughs> वो पढ़ना चाहिए ओके गुरुदेव बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे आगे मेनी ऑफ दोड फॉलन डाउन सो यू शुड नॉट रीड रीडम एट एट दिस टाइम तो कुछ लोग थे जिन्होंने गोविंद लीला लीलामृत पढ़ा और लेकिन उनका पतन हो गया क्योंकि इसीलिए क्योंकि शायद उन्होंने यही सोचा जो गुरुदेव आगे बता रहे हैं भगवान कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं Be very very careful. Our aim and object is to रियलाइज Krishna's pastimes, but you can't jump to this. इसलिए तो हमारे स्वामी महाराज कहते थे कि टेंथ कैंटो का जो वो है ना वॉट इज इट कॉल्ड रास लीला पास टाइम जिसने वो रसिक वैष्णव के मुख से पढ़ लिया सुन लिया उसका अंदर का काम खत्म अवश्य निश्चित रूप से होगा ही होगा बट एट द सेम टाइम साई महाराज ने बोला आप डायरेक्टली टेंथ कैंटो पे नहीं जंप कर सकते आपको कैंटो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन पढ़ नहीं पड़ेंगे ओनली देन यू आर अलाउड You can actually understand and read Canto 10. I okay. request you यू I request you to read उपदेशामृत देखो सबसे पहले हमें उपदेशामृत पढ़ना चाहिए जो हमने डिस्कस कर लिया है मन शिक्षा जो हमारा रहता है एंड बुक्स लाइक them सीधे गोविंद लीलामृत पे मत जाओ अगर आप वैदिक भक्ति कर रहे हो तो उपदेशामृत उब, को इतना अच्छे से पढ़ो कि उसको फॉलो भी करो हमने सिर्फ पढ़ा है इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं हमें नहीं पता ट्राई टू चैंट मोर चैंटिंग योर गुरुदेव जो में हैं ना चार राउंड उसके लिए गुरुदेव बोल रहे हैं वो क्यों दिए वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं दिए कि तुम उनका भी उपयोग करो कितनी बार ऐसा होता है कि तुम उन से फो, सेपरेट फोर को टच करते हो गुरुदेव पूछ रहे हैं सब लोगों को क्या उन्होंने ये किसी विदाउट पर्पज के लिए दिए है ए मैन मे बी वेरी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग हरी कथा एंड परफॉर्मिंग रिलेटेड सर्विसेज बट इफ डज नॉट चैन बिकॉज ही हैज नो टेस्ट वेरी वीक डिवोटी एक्चुअली में ना हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या होता है सबको लगता है कि जो मंदिर खोल रहा है बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी है पर गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि जिसके पास नाम प्रभु के लिए रस ही नहीं है उसकी इच्छा भी नहीं हो रही कि वो सत्रह माला सेवनटीन भी राउंड कर ले एक भी एक्स्ट्रा कर ले तो चाहे उसे जितने मर्जी मठ खोल दी वो वीक ही खिलाएगा और उसका कभी भी पतन हो सकता है भाई ये सब जितने भी आज हमने जितना भी दिन भर में डिस्कस किया ना पूर्णमासी इन सबसे तुम ये सीख सकती हो कि मुझे किसका संग करना है तुम्हें दूसरों के आचरण से पता चल जाएगा कि भाई वो माला में उसको टेस्ट है भी कि नहीं जिसको माला में टेस्ट ही नहीं है उसका संग करके तुम्हें क्या मिलने वाला है भाई क्योंकि अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं मैं संग किसका करना है किसको गुरु बनाना है गुरु ही जब नाम में उसको रस नहीं है तो वो क्या दीक्षा देगा उपदेश अमृत का एट श्लोक गुरुदेव ने यहाँ पे कोट किया है वृंदावन में रहो <coughs> हमने ये डिस्कस किया है <coughs> रसिक तत्व ज्ञानी वैष्णव का संग करो जैसे गोर गोविंदो महाराज है भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर है भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर राधा रानी का नाम लेती रो पड़ते थे इससे ज्यादा रसिक और क्या हो सकता है यही तो है रस अपनी स्वामिनी का अपनी स्वामिनी के लिए इतना प्रेम है कि वो उनका नाम तक नहीं ले पा रहे ऑलवेज चैंड द नेम्स विद मीनिंग एंड नोइंग एंड रिमेम्बरिंग श्री राधा कृष्ण पास टाइम जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो राधा कृष्ण के पास टाइम्स को याद रखो हमने अभी पढ़ा श्रवनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम विष्णु कौन कृष्णा राधा गोपियों के साथ है तो आपको पूर्णमासी जब चैंटिंग करनी है राधा कृष्णा गोपियों के पास टाइम्स को स्मरण करना है तब आपकी चैंटिंग आपको फल देगी नहीं तो नाम अपराधी करते रहोगे ये एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं है कि सब बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए शुरू शुरू में वो हम सब करते हैं वो करना भी है आप क्योंकि आपका मन में लीलाएं आनी ना री तो आप अपनी जीभा से ऊंचा ऊंचा लाउड चैंटिंग करके आपके कानों के थ्रू ये ट्रांसजेंडल वाइब्रेशन अपने मन को दे रहे हो आप जब भी मन भटका ऊंचा चैंटिंग करना चाहिए ऊंचा मतलब वो सुनेगा आपका मन आज दीदी बता रही थी मधु दीदी ये हमारे सारी इंद्रिया बाहर की तरफ है आंख कान नाक हाथ एक मन है अंदर दिखता नहीं है लेकिन हमेशा चंचलता है उसमें तो जब आप अपने जीवा से उच्चारण करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र आपके कान वो सुनेगा और मन में जाएगा ये है स्टार्टिंग की स्टेज जब एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपका मन बोलेगा ठीक है अब इस ये जो तू जप कर रहा है इसकी कुछ स्टोरी भी तो बता तूने मुझे समझा दिया कि ये राधा कृष्ण है हरे कृष्ण स्वयं राधा कृष्ण ये करते क्या है दिखते कैसे हैं कहाँ जाते हैं वो भी तो बता तो आपको फिर क्या अपने मन को देना है ये पास टाइम्स देने हैं पढ़ोगे तो दो पास इसको सुना पाओगे ना इसलिए कहते हैं रसिक वैष्णव से हरी कथा सुनो गुरुदेव यहां लिख रहे हैं गाइडेंस ऑफ ए रसिक तत्व ज्ञानी वैष्णव गुरु और उन, उनके अंडर में रहो उनसे कथा सुनो देन यू विल बिकम फुली क्वालिफाइड फॉर दिस हाईएस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ तब तुम गोविंद लीलामृत पढ़ सकते हो तो ये बहुत सुंदर आर्टिकल है आई एम really रियली हैप्पी पूर्णमासी तुम आई तुम्हारे माध्यम से मेरा भी ये डिस्कस हो गया आज मुझे रियल एसेंस ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा पता चला सो आई विल शेयर दिस लिंक विद यू तुम एक बार फिर से इसको पढ़ना कभी कभी ऐसा होता है हम एक बार पढ़ने से ना मिस कर देते हैं मे बी टुमारो मुझे भी बहुत दिनों के बाद एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया ये कथा सुनने पता से पता आपको मेरे मन में काफी दिनों से बता रही मेरे मन में काफी दिनों से ऐसा चल रहा था कि मैं किससे पूछूं किससे पूछूं किससे पूछा किस भी था मैंने वो जो जिन का जो क्लास था ना जो प्रभु जी ने किया था क्या नाम है संडे के दिन लेते सुबह सका हाँ, प्रभु हाँ, हा, हा, हा। मैं तब हा, हा, हा। एंड कर दी थी मुझे जाना था गाय को रोटी देने आ, तुमने हा, हा, क्या क्वेश्चन पूछा था, आ, था आ, मुझे पता नहीं मैं, है मैंने पूछा था उनसे क्वेश्चन तो क्या उन्होंने जो बताया मतलब आपका क्वेश्चन क्या था पहले मुझे ये बताओ आप मुझे जानना है आपका क्वेश्चन क्या था मेरा क्वेश्चन था ना कि जैसे मैं अष्टकम रोज गाती हूँ ठीक है चार अष्टकम गाती हूँ तो मैं डेली गाती हूँ उसको तो एक राधा कृपा का पक्ष और नंद नंद अष्टकम अध जगन्नाथ अष्टकम थी है। मैं तो गाती है। जब से मैंने मैं, मैं तो भक्ति में आई हूँ तब से गा रही हूँ मुझे ना आ, मतलब कि विद इन वन एंड हाफ मंथ में मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि मैं जगन्नाथ अष्टकम गा रही हूँ तो इसमें तो लिखा हुआ है कि जो ही अष्टकम गाएगा <laughs> और जो इसका डेली डेली जो गाता है वो विष्णु लोक को जाएगा क्या हो जाएगा विष्णु अच्छा अच्छा जो ही अब गाएगा तो ये विष्णु लोग वही है जो राधा कृष्ण का है वही 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 वो प्रभु जी क्या बोले थे आपको वो प्रभु जी बोले थे कि आप ना उसमें अष्टकम जोड़ दो उनको मैंने बताया नहीं था मैं कौन कौन सा अष्टकम गा रही हूँ तो मैंने प्रभु जी को बोला कि हाँ प्रभु जी मैं तो एक्स्ट्रा भी गाती हूँ लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मैं उसको अभी गाँव की नहीं गाँ मतलब तो डेली मैं गाँव या फिर उसको छोड़ दू ऐसा मैं की इच्छा क्यों आई नहीं मुझे लगा कि अगर मैं इसको डेली गाती हूँ तो आ, नहीं नहीं। मैं हाँ इच्छा क्यों देखिए देखिये क्वेश्चन बताई ना मेरे को इच्छा इसलिए आई है कि देखिए मैं अभी इधर से बहुत सारा कथा सुन रही हूँ आपका सुन रही हूँ फिर वो दीदी का सुन रही हूँ जो भी मुझे लिंक मिलता है मैं उनका सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग का मेन एम है वो लोग धाम जाना मतलब कि भले जाए ना जाए वो तो अलग बात है भगवान अब कहीं भेजते हैं वो नहीं पता हम लोग को लेकिन हमारा तो एम यही है कि हम लोग को वो लोग धाम जाना है तो वही मैं सोची कि अगर ये अस्तकम मैं ऐसा लिखा हुआ है कि लोग है। तो लोग तो तो मुझे जाना नहीं है मुझे, तो 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 मुझे नहीं। 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 सुना ना तो मुझे पता चल गया कि जगन्नाथ जी मतलब कि जो विष्णु जो बोल रहे हैं वो कृष्णा राधा और गोपी ऐसा तीन है ना वो सोच के अगर मैं गाऊंगी ऐसा तो फिर वो मुझे उसका आंसर तो हमेशा एक बात याद रखना पूर्णिमा से मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ बहुत सरल है अब जो आपके पास गीति ही है ना अब ये क्या लाए तुम चाय के लिए अब जो हमारे पास गीति ही है ना उसमें जितने भी भजन है ना वो सारे ब्रज भाव के तो अगर कहीं पे विष्णु लिखा है ना स टू कृष्ण ओनली ठीक है हमारी hmm. में ये नरसिमदेव का भी भजन है राइट नरसिम आरती हम गाते हैं। तो अब देखो अब यहाँ पे आप कैसे विष्णु राधा कृष्ण को लाओगे नेवर थिंक दट ही इज सेपरेट फ्रॉम कृष्ण राधा कृष्ण राधा माधव ही अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिम्हा बन के आए ये है ब्रज भाव ये है कृष्ण भक्ति ये गुरुदेव ने बोला है मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ हमें ये नहीं सोचना है प्रहलाद के इष्ट नरसिम्हा है।, है, है लेकिन नरसिम्हा कौन है राधा कृष्ण गुरुदेव ने सिर्फ कृष्ण भी नहीं बोला था गुरुदेव ने राधा कृष्ण बोला था कि राधा कृष्ण ही नरसिंह बन के आए प्रहलाद की रक्षा के लिए ऐसा लग सकता है कि प्रहलाद के इष्ट नरसिम्हा है पर वो राधा कृष्ण ही है जो नरसिम्हा बन के आए प्रहलाद की रक्षा के लिए ये है इंटरनल मूड इसलिए जितने भी भजन है हमारे गोड़िया गीति गुच्छी में वो सब ब्रज भाव क्योंकि हमारे सारे आचार्य भक्ति के हैं भाई कोई आचार्य वैदि भक्ति देने नहीं आया द्वारका भक्ति देने नहीं आया मथुरा भक्ति नहीं ब्रज भक्ति है तो जहां पे विष्णु भी लिखे जैसे तुलसी के मंत्र में आए मैंने आपको बताया था वो कृष्णा ही है आप उसमें विष्णु बोल रहे हो वो अपराध नहीं जैसे इस मंत्र में श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण बोल रहे तो अपराध नहीं आपको विष्णु ही बोलना पड़ेगा अरे लिखा किसने है रूप गोस्वामी ने तो हम चेंज नहीं कर सकते आपको उनका मूड समझना होगा आपको किसी का मंत्र चेंज नहीं करना है जिसने मंत्र लिखा है आपको उसके मूड को समझना होगा कि वो विष्णु मतलब दैट कृष्णा हु इज इन ब्रज विद राधा एंड गोपीज तो तुलसी के प्रणाम मंत्र में जब विष्णु बोला जा रहा है दैट दैट इज 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 कृष्णा हु हु विद विद ब्रज ब्रज इन राधिका एंड वृंदा देवी और विलास विलास कुंजे दियो वास तो वृंदा देवी आप ही हमें वृंदावन धाम में वास दीजिए इसलिए हमारे गोड़िया घोड़िया गीतिगुच्छे में जितना है भी भजन है सब भक्ति के हैं ब्रज भाव के हैं कृष्ण प्रेम के हैं राधा दासम के हैं वहां पे विष्णु जहां लिखे है वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है ठीक है नौ बज गया है बज तो कल सुबह वेन यू वेकअप यू ऑफर यूर प्रणाम टू आचार्यस वाय फोर कल चार आचार्यस की तिथि है मैंने व्हाट्सएप किया है आपको फोन उठाना मैसेज मत देखना इन वैष्णव का नाम लेके जय बोलना उसी से हमारी गति होगी और हमें फिक्स रहना है कि मुझे गोलोक धाम जाना ही है ये चार आचार्य है ठीक है सबका नाम अच्छे से लेना अब पेरेंट्स ऑफ जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत स्वस्ती ठाकुर प्रपाद की जय अब जिस अब पेरेंट्स ऑफ शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर की जय मैं इनके बारे में कल डिस्कस कर लूंगी इनकी भी हरिकथा आई है व्हाट्सएप में जो सेकेंड और थर्ड नंबर है ना अपेयरेंस ऑफ त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूदेव श्रोति गोसाई महाराज की जय डिस डे ऑफ त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्त गौर गोविंद गोसाई महाराज की जय ओके थैंक यू सो मच हरे कृष्णा वंश कल्प तिरभिष्टा के पास सिंधु भय बचा पति तंदाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमा हरे कृष्णा